हेलो फ्रेंड्स, आज अब देखते हैं किसी ना 32 इंच इस नाप का कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं। अब आज हम देखेंगे कि एक साथ अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने नीचे की तरफ से अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड करके लिया है, उसके ऊपर से हमें ब्लाउज पीस जो है उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे रखना है इस तरह से। अभी कटोरी ब्लाउज के लिए हमें पहले पेपर कटिंग करना पड़ता है, जो कि हमने पहले किया है और उसका वीडियो भी हमने पहले देखा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हमें कट करने हैं। पहले तो है बैक साइड, ये है कटोरी के साइड वाला हिस्सा, ये कटोरी का हिस्सा और ये है क्रॉस पट्टी की साइड। अभी इन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल करके हमें पूरे ब्लाउज पीस की कटिंग करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लाउज की हाइट कितनी है। जो भी हाइट है उस हाइट के अनुसार हमें ब्लाउज पीस के लिए ये कटिंग करना है। ब्लाउज की हाइट है 12 इंच, तो इसमें 1 इंच मिलाना है, यानी कि 13 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से ये बराबर आ गया है। गले का भी नाप लेते हैं, 8.5 इंच गले की लंबाई है, तो इसमें 1/2 इंच मिलाकर यानी कि 9 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे, उसको भी कटिंग कर देंगे। बाहर की तरफ से हमें इस तरह से आउटलाइन बनानी है ताकि हम आसानी से इसको कट कर सकें। गले का नाप लेते हैं 9 इंच पर यहाँ पे। अब हम कटोरी के साइड वाला हिस्सा भी कट कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। जैसी भी स्पेस होगी उस तरह से हमें ये सभी पार्ट्स रखने हैं। अब हम कटोरी के साइड वाला हिस्सा मार्किंग कर रहे हैं, तो इसके लिए एक जरूरी बात ध्यान में रखनी है, ये जो गले की जो साइड है ऊपर की तरफ से ये जो साइड है हमें सीधी तरह से रखनी है, यानी कि वहाँ का जो कपड़ा है वो क्रॉस में ना आए, इसका ध्यान रखना है, ताकि हम इस तरह से इसे टेढ़ा मेढ़ा हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो साइड है वो कपड़ा जो है वो क्रॉस रखने के कारण वो स्ट्रेच हो जाएगा और स्ट्रेच होने के कारण गला नीचे उतर सकता है। तो ये हो गए कटोरी के साइड वाला हिस्सा। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे कटोरी का हिस्सा। कटोरी को कट करते समय हमें वही बातें ध्यान में रखनी है, ये जो गले की दो पॉइंट है वो दो पॉइंट हमें इस तरह से रखने हैं। एक लाइन में और बाद में हमें ये सब मार्किंग करना है इस तरह से। हम एक साथ दो ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। अगर ये जो ब्लाउज पीस का कपड़ा है वो कपड़ा थोड़ा रफ हो तो कपड़ा यहाँ से वहाँ हिलता नहीं है। अब ये जो पार्ट्स हमने मार्किंग कर लिए हैं उसके हिसाब से हम पहले इसको कट कर देते हैं, बाद में बाकी के हिस्सों को कट कर देते हैं। ये हो गया कटोरी का हिस्सा। अब हम यहाँ पे कटोरी के साइड वाला हिस्सा कट कर रहे हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे कट देना बाकी है, ये हो गया। अब हमें कटिंग करना है, वो है क्रॉस पट्टी का हिस्सा। उसके पहले तो हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर देते हैं, बाद में क्रॉस पट्टी कटिंग करते हैं। स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच, तो इसमें सिर्फ हमें 1/2 इंच मिलाना है, ताकि क्योंकि ये जो ब्लाउज है वो अस्तर का है, इस कारण हमें नीचे की तरफ से फोल्ड नहीं करना पड़ता। यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग करनी है, अंदर की तरफ से 1.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से शेप देना है। अब इसको हम कट कर देते हैं। ऊपर के 2 हिस्से लेकर सिर्फ अंदर की तरफ से हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, और थोड़ा सा अंदर की तरफ से कटिंग करना है। अब ये जो सेंटर है इसको हम मार्क कर देते हैं, ताकि सिलाई करते समय हमें अच्छे से वो याद रहे। अब हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी की कटिंग कर देते हैं। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर देते हैं। ये जो लेस है इसका इस्तेमाल हम स्लीव्स के लिए करेंगे। लेकिन ये जो लेस है हम उसको बाद में स्टिच कर सकते हैं, सिर्फ पहले इसी नाप का जो है वो कटिंग कर देते हैं, डबल फोल्ड बनाते हैं। हाइट अनुसार सिर्फ हमें ये हिस्सा कट कर देना है इस तरह से। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हमने देखा कि हम एक साथ ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं, अस्तर और ब्लाउज पीस की कटिंग कैसे कर सकते हैं।